हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ टॉपिक शैवालों में संचित भोजन, स्टोरेज फूड इन एलगी। शैवालों में संचित भोजन है वो मुख्यतः हमें पांच क्लासों में तो पढ़ना ही है, ये बहुत ही मुख्य है और कभी कभी क्वेश्चन आता है। हालांकि टिप्पणी आती है कि शैवालों पर के संचित भोजन पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है, मंड होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है? मंड या स्टार्च। तीसरी बात जो इसमें जो आपको बतानी है कि ये उपस्थित कहाँ है, मतलब संचित भोजन है उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर उपस्थित है। तो हरित लवक के पायरेनॉइड में, हरित लवक में एक संरचना होती है पायरेनॉइड, उसमें स्टार्च उपस्थित होगा। किस में? क्लोरोफाइसी वर्ग में। नेक्स्ट बात करें साइनोफाइसी की। साइनोफाइसी में जो स्पेशल ध्यान रखना, साइनोफाइसिन स्टार्च, एक स्टार्च का एक प्रकार है साइनोफाइसिन स्टार्च, और साइनोफाइसिन प्रोटीन, और उसके अलावा ग्लाइकोजन, ये तीन एक तरह से संचित भोजन है। वो किसमें पाए जाते हैं? साइनोफाइसी में। मेनली आपको याद रखना है साइनोफाइसिन स्टार्च किसमें पाई जाएगी? साइनोफाइसी में या नील हरित शैवाल में पाई जाएगी। नील हरित शैवाल के एग्जाम्पल नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, ये इसके मुख्यतः एग्जाम्पल हैं। अब बात समझने वाली कि इसकी स्थिति क्या होगी, तो जीव द्रव्य होगा, क्योंकि साइनोफाइसी नील हरित शैवाल है वो कैसे शैवाल हैं? प्रोकैरियोटिक शैवाल हैं, और इसमें कोशिका के मुख्यतः अंगक नहीं होते हैं, तो जीव द्रव्य के अंदर ही संचित भोजन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें फियोफाइसी की। तो फियोफाइसी का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लेमिनेरियन मैनिटॉल, लेमिनेरियन और मैनिटॉल दो एक तरह से रासायनिक पदार्थ हैं जो संचित पदार्थ के रूप में, संचित भोजन के रूप में फियोफाइसी ग्रुप में पाए जाते हैं। इनकी स्थिति क्या होती है? क्रोमेटोफोर के बाहर, जो क्रोमेटोफोर होता है मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, तो क्रोमेटोफोर के बाहर ही ये संचित भोजन क्या होगा, इसमें स्थित रहेगा। किसमें? फियोफाइसी में। लेमिनेरियन और मैनिटॉल इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। स्टूडेंट ये वीडियो है जो छोटा होगा लेकिन परीक्षा की दृष्टि से और याद करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक एक बात रट जानी चाहिए कि क्लोरोफाइसी में मंड, स्थिति हरित लवक के पायरेनॉइड में, साइनोफाइसी में साइनोफाइसिन स्टार, साइनोफाइसिन प्रोटीन और ग्लाइकोजन, जीव द्रव्य में फियोफाइसी में लेमिनेरियन और मैनिटॉल, क्रोमेटोफोर के बाहर। बात करें रोडोफाइसी में, तो रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, एक विशेष प्रकार का स्टार्च है, एक प्रकार का आप इसको अम्ल भी समझ सकते हैं, एक प्रकार का एक तरह से फ्लोरिडियन फ्लोकोसन होता है, इसमें अम्लीय पदार्थ होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च और ग्लूकोसाइड रोडोफाइसी के अंदर, फ्लोरिडियन वर्ड आर यूज टू रोडोफाइसी, फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें होता है, और ये भी क्रोमेटोफोर के बाहर होगा। और इसके बाद है जेंटोफाइसी। जेंटोफाइसी में तेल की बूंदें, बसा एवं ल्यूकोसिन, इसमें स्टार्च नहीं है, तेल की बूंदें, बसा एवं ल्यूकोसिन, ल्यूकोसिन भी एक एल्कोहलिक पदार्थ है, जेंटोफाइसी में पाए जाते हैं, और इनकी भी स्थिति क्या होती है? क्रोमेटोफोर के बाहर होती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, सबसे पहले आप मेरे साथ बोलते चलें वीडियो में तो आपको बहुत जल्दी से याद हो पाएगा। क्लोरोफाइसी में क्या होता है? मंड होता है। इसकी स्थिति क्या होती है? हरित लवक में पायरेनॉइड में। बात करें साइनोफाइसी में, तो साइनोफाइसिन स्टार्च, साइनोफाइसिन प्रोटीन या ग्लूकोजन, इसकी स्थिति क्या है? जीव द्रव्य में। बात करें फियोफाइसी की, तो लेमिनेरियन और मैनिटॉल, इसकी स्थिति क्या है? क्रोमेटोफोर के बाहर। बात करें रोडोफाइसी की, तो फ्लोरिडियन स्टार्च एवं ग्लूकोसाइडेज, इसकी भी स्थिति क्या है? क्रोमेटोफोर के बाद। और जेंटोफाइसी, इसमें भी तेल की बूंदें, बसा एवं ल्यूकोसिन होता है, और इसकी स्थिति भी क्या है? क्रोमेटोफोर के बाहर है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा। आपके जो एलगी के जो टॉपिक्स हैं उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले आपने पिगमेंट्स पढ़े और ये संचित भोजन, दोनों ही टिप्पणी पूछी गई हैं पिछली बार पेपर्स में, तो थोड़ा अच्छे से इसको देखें। धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें।